लोकसभा चुनाव के लिए राजद ने महागठबंधन से अलग राह पकड़ ली। पार्टी ने सुभाष यादव को चतरा से राजद का उम्मीदवार घोषित किया, जबकि महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत चतरा कांग्रेस के खाते में थी। वहीं राजद को पलामू सीट मिली थी और सूत्रों की अगर माने तो राजद ने पलामू सीट से भी उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रखी है। यहां से पार्टी की ओर से घुरन राम को टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है। राजद ने जिस तरीके से प्रत्याशी का ऐलान किया उससे महागठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपको बता दें, झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए, वहां से वे कांग्रेस के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। हालांकि राजद के इस फैसले के बाद महागठबंधन के अन्य दलों झामुमो, कांग्रेस और झाविमो का क्या रुख होगा, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। आपको बता दें, महागठबंधन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। राजद ने महागठबंधन से अपनी अलग राह पकड़ ली है और चतरा से सुभाष को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और महागठबंधन के बंटवारे में कांग्रेस प्रत्याशी भी अलग थलग नजर आए। महागठबंधन पर लगातार खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजद ने महागठबंधन से अपनी राह बिल्कुल अलग पकड़ी है और सुभाष यादव को चतरा से प्रत्याशी घोषित किया गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।